महंगाई से सताई मजलूम अवामुन्नास को रिलीफ फराहम करने के लिए पाकिस्तान खिदमत वेलफेयर की जानिब से हफ्तावार सस्ता राशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें गरीब और नादार अफराद को बिला किसी तफरीक रंग नस्ल व मजहब सस्ता राशन फराहम किया गया। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान खिदमत वेलफेयर मोहम्मद इमरान कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कैंप के इनेकाद का मकसद गरीब और नादार अफराद को इस होशरबा महंगाई के दौर में हर मुमकिन मदद फराहम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान खिदमत वेलफेयर की जानिब से सस्ता राशन कैंप हर हफ्ते लगाया जाएगा, जहां पर गरीब नादार और कम आमदनी वाले सफ़ेद पोश खानदानों को सस्ता राशन फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खिदमत वेलफेयर के शोबा पॉवर्टी एलिमिनेशन के तहत मस्कूरा कैंप लगाया गया, जबकि बहुत जल्द शोबा सेहत, शोबा तालीम समेत दीगर शोबाजात में भी काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवामी खिदमत के लिए हमें अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत है। नौजवान तबके से अपील है कि इस खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पाकिस्तान खिदमत वेलफेयर ज्वाइन करें और दुखी इंसानियत की खिदमत में हमारा बाजू बने। उन्होंने बताया कि वॉलंटियर्स की मेंबरशिप का आगाज हो चुका है। रोजाना रात 9 से 11 बजे पाकिस्तान खिदमत वेलफेयर के दफ्तर में आकर मेंबरशिप हासिल की जा सकती है। उन्होंने इंतजामी इदारों से भी अपील की कि वो भी इस अवामी खिदमत में उनका भरपूर तआवुन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुँचाया जा सके। गुरबत और महंगाई से सताई मजलूम आवाम के लिए पाकिस्तान खिदमत वेलफेयर की जानिब से सस्ता राशन कैंप का इनेकाद किया गया है, जो कि हर जुम्मे सुबह 11 बजे लगाया जाता है। आज इस दौर में जिस तरह के महंगाई बढ़ रही है और लोग जो है गुरबत की वजह से फाका कशी की तरफ चले गए हैं, सफ़ेद पोश लोग यहाँ तक के कई ऐसे हैं जो रात को खाना खाए बगैर सोते हैं, तो उन मजलूम और गरीब लोगों के लिए हमने ये एक छोटा सा एक इकदाम किया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और हमारी मदद फरमाए कि इसमें हमने जो हमारे पास अशिया हैं उसमें मार्केट रेट से हर कीमत हर एक अशिया पर 20 30 40 50 रुपए तक की कमी है। जैसा कि हबीब वालों का जो घी है वो 520 रुपए का मार्केट में सेल हो रहा है, हमारे पास 470 रुपए में वो दिया जा रहा है। घी 90 और चीनी 90 और 95 रुपए में बाहर सेल हो रही है, हमारे पास 80 रुपए में दी जा रही है। इसी तरह आटा 850 रुपये का 10 किलो है, हमारे यहाँ 720 रुपये में दिया जा रहा है। इसी तरह से चने की दाल है, मूंग की दाल है, साबुन है और दूसरी चीज़ें मार्केट रेट से इंतहाई कम कीमतों में दिए जा रही है, सिर्फ इसलिए कि गरीब आवाम को कुछ सहारा मिले, कुछ रिलीफ मिले। तो मेरी इंतजामी इदारों से गुजारिश है कि वो हमारे साथ वो भी ताउन करें और जो मुखय्यर हजरात है, कारोबारी तबका है, और ये तमाम लोग हमारे साथ ताउन करें और इस रिलीफ कैंप में हमारी अफरादी कुव्वत में हमारा इजाफा फरमाए और हमारे साथ हर तरह से ताउन करें और हमारा साथ दें। तो यहाँ आएँ तमाम लोग और इसकी यहाँ से ख़रीदारी करें। तकरीबन 1925 रुपए का ये एक पैक रखा गया है जिसमें तकरीबन 8 आइटम हैं, तो इन 8 आइटम पे 1925 रुपए में अगर यही सामान बाहर बाज़ार से ख़रीदा जाए तो तकरीबन 350-300 रुपये का फ़र्क आपको मिलेगा, यहाँ से ज़्यादा पैसों में बाहर से मिलेगा। तो आप लोग यहाँ आएँ, ख़रीदारी करें, आप लोगों के लिए सब एहतमाम किया गया है। तो ये हर जुम्मे सुबह 11 बजे लगाया जाएगा। ये पाकिस्तान खिदमत वेलफेयर फैन ने सर ये राशन का प्रोग्राम निकाला, पब्लिक के बड़ा खुश आइंद है। इधर इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गरीबों के लिए कुछ इकदाम करे, गरीब बहुत परेशान है। इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम जो इन्होंने बनाया है पब्लिक के लिए, इंशाल्लाह ताला इसको अल्लाह ताला तरक्की दे, कामरानी दे। ये लोग खिदमत से जज्बे सरचार है, आवाम बहुत परेशान है, रात को भी पेट्रोल पे 30 रुपये बढ़े, इसके लिए पब्लिक बड़ी परेशान है। इधर हम खुद गरीब आदमी है, किराए के मकान में गुजारा नहीं होता, इसलिए हम यह राशन ख़रीदने के लिए तशरीफ लेके आए हैं। जिन्होंने इकदाम उठाया पाकिस्तान खिदमत वेलफेयर के तहत, इंशाल्लाह ताला इनको अल्लाह ताला तरक्की देगा। राशन गरीबों के लिए जो जमा किया गया है, इन्हें ताला इनको दुआएं मिलेंगी और अल्लाह ताला गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक के लिए काम करें, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। पब्लिक इस टाइम बड़ी परेशान है, आवाम का बहुत बुरा हाल है सर। इधर आटा चीनी घी आसमान से वादा कर रहा है, उसकी कीमतें कम करी जाएँ। इंशाल्लाह ताला पब्लिक के लिए सोचा जाए, हुक्मरानों को ये नोश के नाखून लें सर, कि ये आगे चल के जो आगे महंगाई जा रही है, नई नस्ल पे क्या परवान चढ़ेगी। इधर हम खुद किराए के मकान में रह रहे हैं, 4-5 बच्चे हैं, हमारा गुजारा नहीं होता, गरीब आदमी कहाँ तक अपनी दिहाड़ियों से पूरा करेंगे। सामान हमारा बिल्कुल बस से बाहर चला गया है, महंगाई काबू से बाहर हो गई है सर। इधर इन्होंने जो प्रोग्राम मनाया पब्लिक के लिए हर जुमे को राशन का प्रोग्राम, बेहतरीन इकदाम उठाया इन्होंने और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। पब्लिक के लिए कुछ करना चाह रहे हैं ये नौजवान मिलके, इंशाल्लाह ताला इनको आगे तरक्की तरक्की और कामरानी अता फरमाए। ये सस्ता राशन दिया जा रहा है खिदमत फाउंडेशन की तरफ से,
गरीब आवामों को ये रिलीफ दे रहे हैं, कुछ सस्ताई कर रखी है, गरीब आवाम का जीना दुश्वार कर रखा है गवर्नमेंट ने। हर चीज़ का महंगाई है, गरीब आदमी की मजदूरी वही की वही है, किराए के मकान के अंदर रहते हैं, घर के अंदर खाने के लिए नहीं है, गोश्त तो खाना भूल गए गरीब आवाम, सब्ज़ी आटा दाल चीनी इससे भी गवर्नमेंट महरूम करना चाहती है आवाम को। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करे, कुछ सस्ताई करे, हर चीज़ का महंगाई पे महंगाई लगा रखी है। मजदूरी एक दिन होती है एक दिन नहीं होती है, घर के अंदर बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को एहसास नहीं है इस पाकिस्तान की आवाम का। पाकिस्तान की आवाम किधर जाएगी पाकिस्तान के अलावा? ये तो पैसा बनाने में लगी पड़ी है बस। इसको चाहिए गवर्नमेंट को कि गरीब आवाम को कुछ रिलीफ देवे, जिस तरह आवाम एक दूसरे को सहारा दे रही है, इस तरह गवर्नमेंट को चाहिए। जो गवर्नमेंट के काम है वो आवाम कर रही है। पाकिस्तान वेलफेयर का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं हम, इन्होंने इतना सस्ता राशन दे रहे हैं, आटे में भी कीमत बहुत कम है, चीनी में भी, दाल में भी। गरीब इंसान अभी इतनी महंगाई की वजह से पिसा जा रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एक शेड्यूल निकाला, बड़ी बड़ी एक रिस्पांस दी आवाम के लिए, और हम भी बड़े खुश हुए हैं। अभी मैं खुद भी राशन लेके जा रहा हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि महंगाई के हिसाब से कमर टूटती जा रही है, गरीबों का बहुत हिसाब हमारा खुद का भी हो रहा है, हम किसी को क्या बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान खिदमत वेलफेयर का, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा ख्याल किया जा रहा है। ये महंगाई की वजह से सब यहाँ धक्के खा रहे हैं, हम बहुत बहुत परेशानी, और ये रोज़गार है नहीं, तो इस वजह से यहाँ लाइन में लग के ले रहे हैं।